हेलो दोस्तों, ये मेरी एलजेब्रा की तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं दो वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैंने एलजेब्रा के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो इस समय के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चन में से आगे बढ़ाता हूँ। आज मैं कुछ विशेष कैटेगरी के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो देखने में थोड़े से बड़े हैं लेकिन इनका सोल्यूशन काफी इजी और सिंपल है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, इसे हमें हल करना है। देखो, देखने में लग रहा है कि काफी बड़ा है लेकिन सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान है। इसमें दो तीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैं सबसे पहले कॉमन तरीका बताता हूँ, फिर थोड़ा सॉल्व करूंगा एडवांस। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, और ये हमें दे रखा है। तो अब इसमें ऐसा क्या चीज करें, क्या फंक्शन करें, इसमें इसमें ऐसी क्या चीज करें कि इसकी इसमें कुछ करने से और ये चीज आ जाए। एक चीज हमें समझ में आ रहा होगा, जैसे हम पहले पद में एक जोड़ते हैं, यहाँ पे अगर हम एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस ए अपन वन माइनस ए प्लस वन आएगा, और जब एलसीएम लेंगे वन माइनस ए का तो कितना आएगा, ए प्लस वन माइनस ए, ये कट जाएगा और कितना हो जाएगा, वन अपन वन माइनस ए। यानी कि ऐसा करने से ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी। तो हम करते हैं, देखो इसमें हम लेफ्ट में एक जोड़ते हैं इसके साथ में, तो कितना बनेगा देखना, ए अपान वन माइनस ए प्लस वन, ये पहला मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। दूसरे में क्या आएगा, बी अपान वन माइनस बी प्लस वन, और तीसरे में क्या आएगा, देखिए सी अपान वन माइनस सी प्लस वन। ये चीज आपको दिख रही होगी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लेफ्ट साइड में एक एक करके तीन बार जोड़ा हुआ है, एक यहाँ पे जोड़ा है, एक यहाँ पे जोड़ा है, एक यहाँ पे जोड़ा हुआ है, तो टोटल हमने कितना ऐड किया है इधर, थ्री। तो ये लेफ्ट में थ्री ऐड किया है तो राइट में भी थ्री ऐड करना पड़ेगा, और राइट में वन पहले से लिखा था तो वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा, फोर। अब आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखो कैसे, वन माइनस ए, जैसे आप एलसीएम लेंगे वन माइनस ए, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा ए प्लस वन माइनस का ए। इसी तरीके से यहाँ पे कितना बचेगा, बी प्लस वन माइनस का बी अपॉन वन माइनस बी। इसी तरीके से यहाँ पे कितना बचेगा, सी प्लस वन माइनस सी अपॉन वन माइनस सी, और यहाँ पे कितना आ गया, फोर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो देखो, ये ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, और सी से सी कटेगा। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, वन अपॉन वन माइनस ए प्लस वन अपॉन वन माइनस बी प्लस वन अपॉन वन माइनस सी, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, चार। यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं नीचे लिख नहीं सकता हूँ, जगह ज्यादा है नहीं, तो आप समझ जाइए कि इतना ही आएगा। ये एक तरीका हो गया लगाने का। अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बट आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, पहले तरीके से तो हम क्वेश्चन बता चुके हैं, अब हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं कैसे करेंगे। दूसरे में देखो बहुत ही आसान है। दूसरे में हम क्या करेंगे कि जो भी चीज हमें निकालनी है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो हम उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे। देखो कैसे, ये हमें निकालना है तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। मान लो इसको मैंने के मान लिया, ठीक है, के मान लेते हैं। अब आप देखो इसमें इसमें हम क्या फंक्शन करें कि ये सारे पद कैंसिल हो जाए। तो अगर हम इससे इसको घटाएं, ध्यान से देखो, अगर हम इससे इसको घटाएंगे तो हर दोनों का बराबर है, और ए से एक घटेगा तो ए माइनस वन, सॉरी उल्टा हो गया, नहीं सॉरी कैंसिल करो, ठीक है आगे। देखो दोस्तों, एक तरीका तो हम बता चुके हैं, अब दूसरे तरीके से हम बताते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा कि जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी है उसकी वैल्यू हम के मान लेंगे, ठीक है। अब के मानेंगे तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों में हम ऐसा क्या करें कि इसके दोनों पद कैंसिल हो जाए, अंश वाला भी कैंसिल हो जाए, हर वाले भी कैंसिल हो जाए, कुछ वैल्यू मिल जाए। तो यहां से देखो, अगर हम इस वाले से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ऊपर वन माइनस ए आएगा, नीचे भी वन माइनस ए कट जाएगा पूरा। तो देखो हम इसमें प्रत्येक पद से पहले वाली इक्वेशन की प्रत्येक पद को घटाते हैं, तो देखो कितना बनेगा, वन माइनस ए नीचे कॉमन आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, वन माइनस ए प्लस कितना बचेगा, वन माइनस बी, और यहाँ पे कितना बचेगा, वन माइनस बी प्लस कितना बचेगा, वन माइनस सी, और यहाँ पे कितना बचेगा, वन माइनस सी। और इसको मैंने के माना था इधर, के और माइनस वन, क्योंकि इसको घटाया मैंने इससे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा कट जाएगा, सारे कट जाएंगे, यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक बचेगा, यहाँ पे कितना हो गया, थ्री, उधर कितना आ गया, के माइनस वन, के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर। और के था क्या, जो हमें निकालना था उसको मैंने के माना था, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, फोर आ गई। अब देखो इसमें ध्यान से, दोनों तरीके से इसको आप कर सकते हो, जैसा मैंने बताया बाद में और जैसा पहले। तो देखो हम पहले वाले से इसको एक बार और बताते हैं कि इसमें हम क्या फंक्शन करें कि ये आ जाए। तो इन सभी से अगर हम एक ही घटा दें तो कितना आया, वन माइनस एक्स माइनस वन, माइनस वन माइनस वन कट जाएगा, माइनस वन प्लस वन कटेगा, माइनस एक्स अपान आ जाएगा, एक्स प्लस वन,
तो चलो सभी से घटाते हैं इसमें, तो कितना, सबसे पहले इसको यहाँ पे लेके आते हैं, ये हमें पूछा गया था, मैंने ब्रैकेट में कर दिया जो हमें पूछा गया है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो इसमें से घटाओ, जैसे हम घटाएंगे तो कितना आएगा, वन अपान एक्स प्लस वन माइनस वन प्लस, यहाँ पे कितना आएगा, टू अपान वाई प्लस टू माइनस वन प्लस वन डबल जीरो नाइन अपान जेड प्लस वन डबल जीरो नाइन और माइनस वन। और यहाँ पे देखो लेफ्ट में मैंने माइनस वन तीन बार घटाया, यानी माइनस थ्री घटाया, तो वहां पे कितना आ जाएगा, माइनस थ्री, उधर भी मुझे करना पड़ेगा, तो वन से माइनस थ्री आएगा, कितना बचेगा, माइनस का टू, इतना बचेगा। अब देखो आप ये क्या आ जाएगा, जैसे हम इसमें सॉल्व करेंगे तो माइनस के एक्स माइनस वन आएगा, माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, यानी माइनस एक्स अपान एक्स प्लस वन आएगा, तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस एक्स अपान एक्स प्लस वन आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का बाई आ जाएगा और माइनस का टू आ जाएगा, तो टू टू कट जाएगा, यानी कि यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस बाई अपान बाई प्लस टू, और यहाँ पे कितना बचेगा, ऐसे यहाँ पे बचेगा माइनस का जेड अपान जेड प्लस वन डबल जीरो नाइन, और यहाँ पे कितना है माइनस टू। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ माइनस कॉमन कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, इस साइड में भी आ जाएगी एक्स अपान एक्स प्लस वन प्लस वाई अपान वाई प्लस टू प्लस जेड अपान जेड प्लस वन डबल जीरो नाइन, और माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि इसकी जब वैल्यू हमसे पूछे गए थे इसके बराबर आ जाएगी, दो के बराबर आ जाएगी। आप निकाल लोगे, आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो दूसरा तरीका बताते हैं, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, देखो जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी, मुझे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी, इसको मैंने मान लिया के, ठीक है, जैसे मैंने इसको के माना, तो देखो हम ऐसा इसमें क्या करें कि कट जाए ऊपर नीचे, तो इसको इसमें जोड़ सकते हैं, तो देखो इस वाले को इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, तुरंत देखो आप, वन प्लस एक्स अपान वन प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा टू प्लस वाई, या इसको जैसे लिखा वैसे लिख लेते हैं, वाई प्लस टू अपान कितना आएगा, वाई प्लस टू आ जाएगा, प्लस कितना आएगा, जेड प्लस वन डबल जीरो नाइन अपान कितना आएगा, जेड प्लस वन डबल जीरो नाइन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा के प्लस वन। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये कटेगा इससे, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, लेफ्ट में कितना है तीन और राइट में कितना है के प्लस वन, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो आ जाएगी, इसको इधर लेके जाएंगे, तीन से कट जाएगा दो आ जाएगा, इससे आप कर सकते हो, ये और आसान है, तो इसमें भी हम आसानी से कर सकते हैं, इसको इसको भी दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पहले वाला तरीका बता रहा हूँ, आप कोशिश करिए समझने की, देखो कितनी आसानी से आ जाएगा। इसमें अगर हम सभी में एक एक जोड़ दें तो कितना आएगा ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी सी जुड़ेगा, बी सी बी सी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे टू ए स्क्वायर आएगा, इसी तरीके से यहाँ पे टू बी स्क्वायर आएगा, इसी तरीके यहाँ से टू सी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे मैंने एक एक करके जोड़ा होगा तो तीन यहाँ पे जोड़ा होगा, तीन राइट में भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना, तीन और एक कितना आ जाएगा चार, और यहाँ पे टू टाइम्स ये सारा पद आएगा, उधर चार आएगा, फिर दो से डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दो आ जाएगी आसानी से। या फिर देखो दूसरे तरीके से मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है, जिसको हमें निकालना है उसको क्या मान लेना है के। अब इसमें हम कैसे इसको एडजस्ट करें कि हमारे पास आंसर और हमें सेम आ जाए, तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें हम दो से गुणा करते हैं, अगर हम दो से गुणा करते हैं और इसको घटा दे, देखो आप इसमें से दो से गुणा करके इसको घटा दो तो टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा, ये पूछेगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस आ जाएगा, और लेफ्ट में अगर टू से गुणा किया है तो राइट में भी टू से गुणा करना पड़ेगा। अब आप देखो टू ए स्क्वायर जब ये घटाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी सी तो कितना आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी सी अपान कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी अपान कितना आएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी, और इसी तरीके से जब यहाँ पे करेंगे तो आएगा सी स्क्वायर प्लस ए बी अपान कितना आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये कितना आएगा टू के। ये बात आपकी समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ है, इसमें गुणा करके उसको घटाया था मैंने, है ना, तो देखो टू के तो आएगा आएगा और माइनस का कितना आएगा यहाँ पे वन, क्योंकि उसको मैंने घटाया भी है, तो यहाँ पे कितना आ गया ये थ्री, इधर कितना आ गया टू के माइनस वन, तो देखो टू के इज इक्वल टू कितना आएगा फोर, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम और सोल्व करेंगे के बराबर कितना आ जाएगा दो, और ये मुझे निकालना था, इसकी वैल्यू हमें निकालनी, मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखो इससे पहले जब भी आपने क्वेश्चन किए होंगे उसमें ज्यादातर चीजों में आंसर और हल्की का सेम थी, है ना, या किसी ना किसी तरीके से अरेंजमेंट करने से ये सारी बात आपस में कैंसिल हो जाते, इसमें ऐसा कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ए, यहाँ पे कितना है ए स्क्वायर, अब ए से ए स्क्वायर नहीं कर सकते आप, प्लस माइनस करके कुछ एडजस्ट कर सकते हो लेकिन इसमें घात नहीं बढ़ा पाओगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें देखो
इसमें तीन वेरिएबल दे रखे हैं, एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये बात मुझे पता है। तो हम क्या करेंगे इसमें से, हमें पता है कि एक इक्वेशन से केवल एक ही वेरिएबल का मान निकाला जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर तीन वेरिएबल दे रखे हैं तो हमें कोई दो वेरिएबल का मान मानना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो हमने ही बताया था कि सबसे पहले हम लास्ट वाला मानो तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे मैंने सी है तो सी का मान हम मान लेते हैं जीरो। जीरो मानने से इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि नीचे तो कहीं जीरो आएगा नहीं, सी का मान जीरो मानने से। और बी का मान मान लो एक, सबसे सिंपल वाले ये हो सकती है, सी का मान आप जीरो मान लो, बी का मान एक। अब आप कहोगे कि बी का मान भी जीरो क्यों नहीं माना, क्योंकि अगर हम बी का मान जीरो मान लेंगे, ठीक है, तो जीरो बटे जीरो का फॉर्मेट बनेगा अलग, जो कि सही नहीं होगा, अनडिटरमाइंड फॉर्मेट हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, सी का मान जीरो, बी का मान एक मान ले। अब देखो कितना बनेगा यहाँ पे, जैसे आप इसको जीरो से एक रखोगे तो कितना आएगा एक, और प्लस इसको कितना मानेंगे एक, इसको रखेंगे जीरो, ए प्लस वन अपॉन ए, ठीक है, और ये बराबर किसके आ जाएगा एक के, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ से देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर लेके आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन बराबर कितना हो गया जीरो, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान से देखो, दोनों तरफ ए प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे आप ए प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस वन और आएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन बराबर जीरो, जो कि किसकी वैल्यू है, ए क्यूब प्लस वन बराबर कितना हो गया जीरो। इतनी बात मुझे बात समझ में आ गई यहाँ से, ए क्यूब प्लस वन का जब विस्तार करेंगे तो कितना ए प्लस वन आएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमें निकालना उसको हम देख लेते, देखो इसको मैं इधर कर देता हूँ, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है इस वाले से, मतलब यहाँ से मैं यहाँ पे गया हूँ, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए था, इसकी वैल्यू चाहिए, इसमें मैं सी की वैल्यू जीरो रख चुका हूँ, बी की वैल्यू एक, तो कितना बचा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस कितना बचा यहाँ पे वन अपान ए बचा, और प्लस कितना बचा जाके यहाँ पे सी की वैल्यू जीरो थी, ये पूरा खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो देखो कितना आएगा, ए क्यूब प्लस वन अपान कितना आ गया ए, और ए क्यूब प्लस वन की वैल्यू कितनी है जीरो, जीरो बटे ए करेंगे कितना आ जाएगा जीरो बच जाएगा। बस आपको प्रॉब्लम तब होगी जब यहाँ पे सिंगल पावर हो या उससे ज्यादा पावर दे रखी हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, या जितने वेरिएबल दे रखे हूँ तो जितनी इक्वेशन है उनकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, उतने वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा है तो उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो उस केस में ज्यादा वाली जो वेरिएबल है, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है, उनकी वैल्यू में अपने आप से माननी पड़ेगी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो लास्ट वाला वेरिएबल है सबसे पहले उसकी वैल्यू मानते हैं, फिर उसके बाद की मानते हैं। तो लास्ट में सी था, मैंने इसका जीरो मान लिया, सबसे आसान वैल्यू ये, और बी की वैल्यू एक मान लिया और सॉल्व किया तो मैंने आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पता है कि जिसकी वैल्यू निकालनी है, जो भी हमें निकालना है मान, उसको हम टी मान लेते हैं। देखो ध्यान से, जैसे हम इसको टी मानेंगे ना, ये मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ कि जो मुझे निकालना है, ठीक है, ये मुझे निकालना था। अब देखो जैसे हम इसको इसके साथ में जोड़ेंगे तो आंसर और सेम आ जाएंगे, इतनी बात अपना समझ में आ रही होगी। आंसर और कितने आएंगे, वन प्लस ए अपान वन प्लस ए आएगा। तो देखो यहाँ पे कितना, मैं एक बार लिख देता हूँ, वन प्लस ए अपान वन प्लस ए आएगा, प्लस वन प्लस बी अपान वन प्लस बी आ जाएगा, और प्लस कितना आएगा, वन प्लस सी अपान वन प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, टी प्लस वन, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक, ये सारे आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे कितना आएगा, थ्री आएगा, उधर कितना आएगा, टी प्लस वन आएगा, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दो, आप निकाल सकते हो। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम दूसरे वाले तरीके से लगाएंगे। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी, तो हमने इसको कितना मान लिया, के मान लो इसको, ठीक है, इसको के मान लिया। अब मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि इससे जैसे हम इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा, तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, जैसे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस ए अपान एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी अपान वाई माइनस बी प्लस जेड माइनस सी अपान जेड माइनस सी, इधर कट जाएगा, इधर कितना बचेगा, इधर कटने में वन प्लस वन प्लस वन, और यहाँ पे कितना आएगा, के माइनस टू आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, थ्री, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, के माइनस टू, के बराबर कितना आ जाएगा, फाइव। हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, मतलब डब्बे में कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो मैंने क्या बताया था कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या मान लेते हैं हम, टी, टी है कि जो मानना आपको मान लो, इसको मैंने के मान लिया, इसको आप के मान लीजिए। अब आप देखिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, जैसे आप इससे इसको घटाओगे तो ये कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप इसको इसको घटाओगे तो देखो टू कॉमन आ जाएगा, तो कितना वाई माइनस कितना आएगा, टू भी फिर से आ जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे दो फिर वैसे बनेगा। तो घटाई दिया आप, जैसे देखो कितना आएगा, ए एक्स माइनस ए अपान कितना आ गया, एक्स माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, टू बाई माइनस फोर बी अपान कितना आ गया, वाई माइनस टू बी। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप, थ्री जेड माइनस नाइन सी अपान कितना आएगा, जेड माइनस थ्री सी, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, सिक्स माइनस ए,
दिया गया। अब आप देखो इसमें ऊपर से मैं एक कॉमन ले सकता हूँ, और जैसे हम एक कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 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 वन कैंसिल हो जाएगा। ओके सॉरी, ये कितना आएगा, के माइनस सिक्स और प्लस का ए, इतना आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखो ए कितना आएगा, एक्स माइनस वन अपान कितना आएगा, एक्स माइनस वन प्लस यहाँ पे टू कॉमन ले लो तो बाई माइनस टू बी अपान कितना आ जाएगा, बाई माइनस टू बी प्लस यहाँ पे थ्री कॉमन ले लो तो जेड माइनस थ्री सी अपान कितना आएगा, जेड माइनस थ्री सी, ठीक है। इज इक्वल टू कितना आएगा, के माइनस सिक्स प्लस ए, इतना आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखो इससे ये कट जाएंगे सारे, तो यहाँ पे कितना बना जाके टू और प्लस थ्री फाइव, यहाँ पे कितना आएगा ए प्लस फाइव, यहाँ से ए बचेगा और यहाँ टू प्लस थ्री कितना हो गया फाइव, उधर कितना बचा हुआ है के माइनस सिक्स और प्लस का ए, तो ए से ये ए कट जाएगा और के की वैल्यू कितनी आएगी, सिक्स इधर आ जाएगा, सिक्स और फाइव कितना हो गया इलेवन, ये वैल्यू आ जाएगी। तो वो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आप दिमाग लाएंगे तो ये 100% समझ में आएगा। तो अगर पहली बार नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना, किस समझ में आ जाएगा ये बता दीजिए। देखो कितना आसान है, इसमें देखो ऊपर देखो सारी एक जैसी वैल्यू लिखी हुई है, पहले x है फिर y है फिर z है, देखो यहाँ पे y है z है x है, यहाँ z है x है y, सारे एक जैसे दिख रहे हैं। यानी कि इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आया तो मुझे समझ में आता है कि सिमेट्री है, सारे एक जैसे दिख रहे हैं, देखो सारे पैटर्न एक जैसे फॉलो हो रहे हैं, तो इसमें x y z को बराबर बराबर मान सकते हैं। आगे आप करोगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपके समझ में आने लगेगा कहाँ क्या मानना है। तो जैसे आप इसको बराबर बराबर मानोगे तो इसका मान निकालना था, ठीक है। जैसे आप इसको बराबर बराबर मानोगे तो क्या मानेंगे हम, एक्स बराबर वाई बराबर जेड हम मानेंगे। तो देखो यहाँ पे रख दो तो एक्स स्क्वायर और वाई और जेड भी एक्स के बराबर है, तो ये दो बार लिखा हुआ है तो टू एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स कटेगा, एक्स बराबर कितना आ गया दो, ठीक है। अब आप देखो क्या इसकी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो रही है, जैसे आप सबकी वैल्यू दो दो रखोगे दो प्लस दो चार आ जाएगी, दो का स्क्वायर कितना आएगा चार, तो सभी में सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान से इसका मान हमें चाहिए, यानी इस वाले की वैल्यू निकालना है, तो मुझे ये बात पता चल गई है कि एक्स वाई जेड आपस में बराबर है, यहाँ पे तीन पद लिखे हुए तो हम तीनों को एक साथ लिखने तो थ्री टाइम्स हो जाएगा ये, और ये क्या लिखा हुआ है वन अपान वन प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दो, तो यहाँ पे देखो ध्यान से कितना आएगा थ्री इंटू वन अपान थ्री, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एक। इसमें आप देखो इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो वाई एक्स जेड, लेकिन इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा, इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक्स वाई जेड तो दे ही रखा है, एबीसी भी दे रखा है, तो जब भी ऐसा होगा तो इसमें एक्स वाई जेड को भी बराबर मान लेंगे और एबीसी को भी बराबर बराबर मान लेंगे। लेकिन 99% केसेस में क्या करना है आपको, देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे देखो एक्स बराबर क्या मानेंगे, वाई बराबर क्या मानेंगे, जेड एक चीज हमने मान ली, कि दूसरी जो दूसरे वेरिएबल है एबीसी, तो हम इसको ही मान लेंगे, क्या मानेंगे ए बराबर बी बराबर कितना मान लेंगे सी, लेकिन इसकी वैल्यू आपको एक मान लेनी है, इसको क्या मान लोगे एक, ये सारे बराबर हैं और एक के बराबर ही मान सकते हैं क्योंकि सबसे सिंपल वैल्यू एक ही होगी। तो देखो क्या होगा, जैसे आप इसकी वैल्यू एक रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, वाई प्लस जेड आ जाएगा, और वाई और जेड आपस में बराबर है, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा टू एक्स, तो देखो फिर से कितना एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दो, ठीक है। अब हमें एक बात समझ में आ गई कि एक्स वाई जेड इन दोनों इन सबकी वैल्यू किसके बराबर होगी दो की, और एबीसी की वैल्यू किसके बराबर होगी एक की, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू निकाल लो, अब हमें क्या निकालना है, हमें देखो इस वाले की वैल्यू निकालनी है, तो देखो एबीसी आपस में बराबर है और ए नीचे भी सारे बराबर है, एबीसी आपस में बराबर है, एक्स वाई जेड भी आपस में बराबर है, तो देखो हम इसको एक तीन बार लिख सकते हैं, इसको थ्री इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में एक, और एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में दो, और ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है एक, तो इस कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से आप देखो तो थ्री इंटू वन अपन थ्री इसके बराबर आ जाएगा एक, यानी कि जो हमें निकालना था इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई एक के बराबर आ गई, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी, अब देखो इसने सारे पद पहले से दे रखा है, सारे बराबर दे रखे हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, बराबर कितना दे रखा है टू, और इसमें भी देखो छह टर्म है एक्स वाई जेड और एबीसी, तो मैंने बताया था जब ऐसा हो तो हम क्या मान के चलते हैं, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं, एक्स बराबर वाई बराबर जेड मान लेंगे, और हम क्या मान रहे हैं यहाँ से देखो इसको हटाए थे जो निकालना उसको हम डब्बे में बंद कर देते हैं, और यहाँ से हम मानेंगे ए बराबर बी बराबर सी किसके बराबर मान लेंगे एक, ठीक है। अब देखो इसको बराबर करो किसी एक टर्म को, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा टू आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा देखो बी बाई और प्लस कितना आ जाएगा सी जेड, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, बी और सी की वैल्यू कितनी है
एक एक के बराबर है तो 2 आ जाएगा, और वाई और जेड की वैल्यू कितनी है, ये भी एक्स के बराबर है, तो 2z या फिर 2x लिख सकते हैं इसको, x से x कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4। ये बात समझ में आई, इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 आ गई और abc की वैल्यू पहले से 1 है, तो देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से 4। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सारे एक जैसे पद लिखे हुए हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, देखो इसको हमें सॉल्व करना, तो हम क्या करेंगे 3 टाइम्स, और a की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 4, और प्लस 2 × 1 कितना आ जाएगा, इसको ध्यान से देखोगे तो कितना आएगा 3 × 1/4 + 2 कितना आएगा 6 आएगा, और एक कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा पिछला वाला था क्वेश्चन, पुराने वाला बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो कितना आसान है, देखो हमें पहले से बताया जहां पे एक्स वाई जेड एबीसी है, तो हमें कैसे मान के चलना है, देखो सारे सिमेट्रिक है, सारे एक जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे एक्स है वाई है जेड है, देखो सब साइक्लिक ऑर्डर में, बी ए यहाँ पे कितना है बी वाई, गलत दिख गया, बी वाई सी जेड, सी जेड एक्स वाई ऐसे होना चाहिए यहाँ पे, सी जेड और एक्स, देखो बी सी ए वाई जेड एक्स वाई, अब ठीक है, ठीक है अब फिर शुरू करते हैं। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल भी पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसा पिछले वाले में था। देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड, ऊपर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे बी सी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे सी ए बी लिखा हुआ है, सब साइक्लिक ऑर्डर में, तो हम सबको बराबर मान सकते हैं, तो हम क्या मान के चलेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ से देखो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या मान के चलेंगे, हम ऐसे मान के चलते हैं, ध्यान से देखो आप, x बराबर y बराबर कितना मान लेते हैं z, ठीक है, और हमने क्या माना था a बराबर b बराबर कितना माने c, इसको एक मान लेते हैं, इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं एक के बराबर। अब किसी एक पद को बराबर कर दो, देखो क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपान बी और सी की वैल्यू एक है, तो देखो हम एक एक लिख लेते हैं इसमें, तो कितना बचेगा वाई प्लस जेड, और यहाँ पे कितना बचेगा 1/5, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये कितना है, ये भी x के बराबर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपन 2x आ जाएगा, और ये किसके बराबर है 1/5 के, क्योंकि ये कट जाएगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/5, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ पे लिखो, देखो कितना आसान है, इसमें तीन पद है ऐसे तीन, अब देखो a की वैल्यू हम पहले 1 मान चुके हैं, अब अपान कितना आएगा 5, और x की वैल्यू कितनी है 2/5, और प्लस a की वैल्यू कितनी है a की कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 × 1/3, और इसको काटने के बाद कितना आ जाएगा 1। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने लिखा हुआ है, अब ये क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन से भी काफी आसान क्वेश्चन है, एक बार आप सॉल्व करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है। बस देखो यहाँ पे आपको केवल इसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की, ए प्लस बी की, बी प्लस सी की, ये भी बहुत आसानी से मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, आप सी को अगर ट्रांसफर करोगे तो ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी माइनस सी के बराबर आएगी, ऐसे बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी होगी तो ए को अगर ट्रांसफर करेंगे तो बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी माइनस ए के, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा ए सी बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे ए सी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा बी प्लस सी की वैल्यू माइनस ए के बराबर आएगी, और सी प्लस ए की वैल्यू माइनस बी के बराबर आएगी, तो यहाँ कितना बचेगा ए बी बचेगा, इसी तरीके से यहाँ पे कितना बचेगा बी सी बचेगा। अब आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा एलसीएम ए बी सी एलसीएम आएगा, यहाँ पे देखो ए सी पहले से लिखा हुआ है बी नहीं, तो बी आ जाएगा यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है सी नहीं, यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है तो ए नहीं। अब ध्यान से देखो तो ये ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना दे रखा है 0, उसके बाद कितना है ए बी सी, यानी इसकी वैल्यू कितनी देगी 0। ये भी देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, देखो कितना इजी है, अगर हम एबीसी को बराबर बराबर मान लें देखो क्या आएगा, देखो यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान देना यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स एबीसी सब इक्वल है, तो ये 3a² के बराबर आएगा, सबको a के बराबर मान लिया, तो a² + a² + a² 3a², और इधर कितना आएगा a³ के बराबर आएगा, तो देखो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे a बराबर कितना आ गया 3, और हमें क्या माना था, हमने माना था a बराबर b बराबर c, यही तो हमने माना था, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारे पास में 3 के बराबर आ गई। अब देखो हम वैल्यू रख देते हैं, ये देखो सारे एक टाइप के लिखे हुए हैं, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे तीन पद लिखे हुए, एक ये दूसरा ये तीसरा ये, तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब b प्लस सी और 3 + 3 कितना आ जाएगा 6 आएगा, और 3 × 3 कितना आएगा
9 आएगा और 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो इससे आप काट दो, ये कितना लिखा हुआ देखो, 6 का 3 गुणा होगा 6 3 18 और 9 दूना कितना आ जाएगा 18, 18 से 18 कटेगा कितना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 0। अगर हम इसमें a से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो फिर भी 0 के बराबर ही आएगा, कितना आएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। लेकिन यहाँ पे देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा ए क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब बराबर 1 आ गया, इसका मान रख दो यहाँ पे, जैसे हम इसका मान रखेंगे ए क्यूब की वैल्यू 1 है और ए क्यूब की वैल्यू 1 अगर दे रखी है तो ए क्यूब की पावर 7 प्लस 2 लिखा हुआ है, ये 21 प्लस 2 तभी 23 होगा और ए क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर है, तो इसको अगर सही से इसको आइडेंटिफाई करें तो क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है और प्लस क्या लिखा हुआ है। अब ए की पावर कितना है, ए की पावर 15 प्लस 1 कर लो, प्लस कितना लिखा हुआ है 7। अब देखो ए क्यूब की पावर कितनी है, एक के बराबर उसकी पावर 7 करेंगे एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल बचेगा कितना ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू 1 है, ए की पावर 15 की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे केवल कितना बचेगा ए, ए कितना बचेगा 7। अब आप ध्यान से देखो ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू माइनस 1 के बराबर होगी, यहाँ से देख लो आप, तो इसके वैल्यू कितनी है माइनस 1 और प्लस का 7 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। कैसे करना है, यहाँ पे देखो 6 वेरिएबल है एक्स वाई जेड और ए बी सी, ठीक है, और 3 इक्वेशन दे रखे हैं, है ना। तो 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल का मान निकल सकता है, बाकी का निकलेगा नहीं, तो हमें कोई ना कोई 2 वेरिएबल मानने पड़ेंगे, ठीक है, 3 वेरिएबल कोई ना कोई मानने पड़ेंगे। अब देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हम बहुत आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं, देखो कैसे, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 25 के बराबर, आप किसी को 0 मान लो, आप इसको 0 मान लो, इसको 0 मान लो, देखो बीसी को 0 मान लो, अगर आप बीसी को 0 मानोगे तो ये स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 25, और यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसमें देखो अगर हम वाई जेड की वैल्यू 0 मान लें, क्योंकि वाई जेड यहाँ पे कहीं है नहीं, डिपेंडेंट है नहीं इससे, तो जैसे अगर हम इसकी वैल्यू 0 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। अब देखो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रखें सेटिस्फाई होना चाहिए, तो देखो बी और सी 0 है और वाई जेड 0 है, 0-0 हो जाएगा और ए की वैल्यू 5 है और एक्स की वैल्यू 6 है, तो 30 के बराबर आ रहा है, तो यानी कि ये वैल्यू ठीक है। तो हमारे पास पता चल गया कि ए बराबर कितना हो गया 5, बी सी 0 हो गया, ए बराबर 5, बी बराबर सी बराबर 0, यहाँ पे एक्स बराबर 6, वाई बराबर जेड बराबर कितना हो गया ये 0, वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बी सी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और वाई जेड कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, केवल कितना बचेगा ए अपन एक्स यानी कि 5/6, ठीक है। इसमें एक तरीका और, देखो कैसे करते हैं आप एक चीज समझ लो, एक दो बार करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सारे स्क्वायर में है, एबीसी वाले स्क्वायर में, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड वाले स्क्वायर में, तो अगर हम इसको ये मान के चले, देखो ये स्क्वायर में हम ये मान के चले पूरी एक ही वैल्यू लिखी है, इसको हम ए स्क्वायर मान लें तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 5, और इसको हम कितना एक्स स्क्वायर मान लें तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी, और फिर इन दोनों का आपस में गुणा करके लिखा हुआ है, देखो 5 और 6 मानेंगे तो 5 का 30 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू 5 थी और एक्स की वैल्यू कितनी थी 6, और देखो ऊपर सारे जुड़े हुए हैं नीचे भी सारे जुड़े हुए हैं, तो 5/6 आ जाएगी सीधे से, ये 5 का स्क्वायर ये 6 का स्क्वायर ये 5 और 6 का गुणा है, यहाँ पे देखो 5 वाले का समय 6 वाले का 6, 5/6 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते सीधे से, तो करना है। देखो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर आपस में मल्टीप्लाई करो या फिर कंपोनेंट और डिवेंटर थ्योरम लगा दो, क्या बोलते हैं युगांतर प्रमेय लगा दो, ठीक है, तब भी निकल आएगा। पहले हम मल्टीप्लाई करना बता देते, हो सकता है कई लोगों को पता होगा युगांतर कैसे लगाते हैं, तो इसको गुणा कर लो, यहाँ पे देखो कितना आएगा, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं कितना आएगा, बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा ए एक्स माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, एक्स हमें चाहिए तो एक्स को इधर लेके आओ तो कितना आएगा ए माइनस बी, और ए इधर आ जाएगा तो कितना आएगा ए प्लस बी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x इज इक्वल टू आएगा a प्लस बी अपन a माइनस बी आ जाएगा। अब y को y वाला सॉल्व करते हैं वो कितना आएगा, ये a माइनस ए वाई प्लस बी और प्लस का, सॉरी इसको ऐसे करें, a माइनस ए वाई इज इक्वल टू कितना आएगा b प्लस बी वाई, और हमें क्या करना है y की वैल्यू चाहिए, तो y कॉमन ले लो तो कितना आएगा, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा b प्लस ए आ जाएगा।
उधर कितना आएगा, जैसे हम बाई ऐसे कॉमन लेंगे बिजनेस से आएगा तो ए माइनस बी आ जाएगा, उधर कितना आएगा ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि वाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा ए माइनस बी अपान ए प्लस बी, ये आ गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू बदल गई, वाई की वैल्यू बदल गई, अब देखो क्या करना है हमें, इसके वैल्यू सही है, देखो ध्यान से एक्स की वैल्यू क्या लिखी है हमारे पास में ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, और y की वैल्यू क्या लिखी है a माइनस बी अपान ए प्लस बी, ठीक है। अब हम ए बी की वैल्यू कुछ रख लेते हैं, कुछ भी वैल्यू रख लो ए बी की, अब हम ए बी की वैल्यू बराबर नहीं रख सकते, क्यों रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो नीचे बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, अनडिटरमाइंड फॉर्मेट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान रखते हैं, देखो ए बराबर दो रख लो और बी बराबर एक रख लो, ताकि कम से कम यहाँ पर तो एक बन जाएगा घर में, तो जैसे वैसे रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना दो एक कितना आ जाएगा तीन, और नीचे दो में से एक कितना बचेगा इतना, ठीक है। ऐसे देखो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे दो माइनस एक और दो प्लस कितना आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, एक्स की वैल्यू तीन आ गई, वाई की वैल्यू बटे तीन, अब देखो हमें इसमें निकालना है, रख लो थ्री और माइनस वन अपान थ्री अपान वन प्लस थ्री इंटू वन अपान थ्री कितना आएगा वन, और तीन से ए थ्री माइनस वन अपान थ्री नाइन माइनस वन, देखो दोस्तों ये दे रखा था उसको हल करते हैं, इसमें देखो x प्लस वन अपान x माइनस वन की वैल्यू दे रखी है, अगर y माइनस वन अपान सॉरी वन माइनस y अपान वन प्लस y की वैल्यू दे रखी है, और हमें इसका मान निकालना है, इसका मान निकालने के लिए हमें x और y का मान पता होना चाहिए, तो हमें x का मान कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस प्लस साइड में लिखते हैं बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स माइनस का ए, ठीक है। x को कॉमन ले लो कितना आएगा a माइनस बी बराबर कितना आएगा a प्लस बी, यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा a प्लस बी अपान ए माइनस बी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है, इसी तरीके से आप यहाँ से देखो इसको यहाँ पे लिखते हो, इसमें मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा a माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y कॉमन ले लो तो कितना आएगा उधर ले जाएगी a प्लस बी बराबर कितना आएगा a माइनस बी, ठीक है। जैसे हम y कॉमन लेंगे y इधर आ जाएगा तो a प्लस बी बनेगा और ये a माइनस बी बन जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस, ठीक है। इसी प्रकार के लिए मुझे x का मान पता चल गया यहाँ से y का मान पता चल गया, अब देखो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो हम ए बी की वैल्यू कुछ ही मान सकते हैं, तो ए बी की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, लेकिन a और b की वैल्यू हम बराबर नहीं मान सकते हैं, इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि जैसे हम ए बी की वैल्यू बराबर करेंगे तो यहाँ अंश सॉरी हर में जीरो आ जाएगा, और जीरो आ जाएगा तो कुछ ऊपर वैल्यू है नीचे जीरो अनडिटरमाइंड फॉर्मेट बन जाएगा, इसका मान संभव नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका मुझे लग रहा है, इसको a बराबर दो मान लो और b बराबर एक मान लो, इससे क्या होगा कि इसमें नीचे जो है ये कितना बनेगा, जैसे हम a बराबर दो b बराबर एक रखेंगे नीचे एक आ जाएगा, तो एटलीस्ट x की वैल्यू अच्छे से मिल जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू प्लस वन थ्री अपान वन थ्री, और y की वैल्यू कितनी यहाँ से देखो टू माइनस वन वन अपान वन प्लस टू यानी कि थ्री यानी वन वन थ्री। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू पता है y की वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं x माइनस वाई यानी थ्री माइनस वन अपान थ्री वन प्लस एक्स इंटू वाई, तो ये कट जाएगा यानी कितना आएगा तीन तक हम में से एक गया आठ बटे कितना आ जाएगा तीन, और यहाँ पे कितना है एक एक कितना हो गया दो यानी कितना आ जाएगा ये चार बटे तीन, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्लस वाले के साथ में माइनस वाला आता है और माइनस वाले के साथ में प्लस वाला आता है, ये ए प्लस वन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन लिखा हुआ है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर ध्यान से इसको हम क्या लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस वन लिख सकते हैं, इस वाले को ए माइनस वन ये पूरा प्लस में लिखा हुआ है, इसको हम ए क्यूब माइनस वन लिख सकते हैं, और वो जो लास्ट में लिखा हुआ है ये वन माइनस वन प्लस ए की बराबर कितना लिखा हुआ है सिक्स। अब देखो ध्यान से ये ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा ए की बराबर सिक्स माइनस वन, और इसको हम लिख सकते हैं ए की बराबर सिक्स प्लस वन, अब ये फिर से ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया यानी कि ए की बराबर ट्वेल्व माइनस वन, यही आपका आंसर आ जाएगा। दे रखा है टू एक्स बराबर ए प्लस अंडर रूट फोर बी क्यू माइनस ए की ओपन थ्री ए, और दूसरा है टू वाई स्क्वल टू ए माइनस अंडर रूट फोर बी क्यू माइनस ए की ओपन थ्री ए, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ऑप्शन हमारे पास ये दे रखे हैं, ठीक ए क्यू बी क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो
एक्स और वाई की पहले हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आसानी निकालेंगे, अगर ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए तो हम एक्स और वाई की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि इसको हम अगर जीरो मान लें तो जीरो मानने क्या होगा, देखो फोर वी क्यूब माइनस ए क्यूब बराबर क्या मानते हैं जीरो, अगर हम जीरो मानेंगे तो कितना आ जाएगा फोर वी क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए क्यूब, ठीक है कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा टू एक्स इज इक्वल टू ए और यहाँ से कितना आएगा टू वाई इज इक्वल टू ए, यानी कि अगर ध्यान से देखें तो x बराबर y बराबर कितना आएगा a अपन 2 आएगा यहाँ पे, पता ही है। और हमें वैल्यू किसके निकालनी थी, देखो यहाँ से हमें वैल्यू किसके निकालनी थी, x क्यूब प्लस y क्यूब की, तो ये कितना आ जाएगा इसका क्यूब यानी a क्यूब अपन 8 और प्लस a क्यूब अपन 8, ये तो आएगा यानी कितना आएगा 2 a क्यूब अपन 8 यानी कि कितना आएगा a क्यूब अपन 4, लेकिन ऐसी की वैल्यू है नहीं यहाँ पे, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे। अब देखो ए क्यूब अपान फोर किसके बराबर आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ से आप देखोगे, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ए क्यूब अपान फोर किसके बराबर आएगा, ये आएगा ए क्यूब अपान फोर आ जाएगा बी क्यूब के बराबर, जो कि आपका आंसर होगा आंसर। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ मेरे पास में, ठीक है इसकी वैल्यू निकाल ली और ये ऑप्शन लिखे हुए, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि हम क्या मानेंगे, इसमें सबसे ईजी लगेगी, तो देखो अगर आप बी की वैल्यू जीरो मान लो, क्यों मान रहे हैं बी की वैल्यू, क्योंकि ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, बी जैसे ही खत्म होगा तो ये बाहर आ जाएगा आसानी से, ठीक है ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। देखो यहाँ पे देखो यहाँ आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि ये सारा क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है और ऑप्शन हमारे पास ये दे रखा है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप देखो अगर b की वैल्यू आप जीरो मान लेते हो, देखो कितना आसान है, जैसे आप b की वैल्यू जीरो मानोगे तो यहाँ पे रूट के बाहर आ जाएगा, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा और यहाँ पे जैसे b खत्म होगा तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम b की वैल्यू जीरो मान रहे ताकि यहाँ पे सॉल्व करने में आसानी हो जाए। देखो जैसे आप b इज इक्वल टू कितना मानोगे जीरो, तो x बराबर कितना आएगा दो कितना आएगा, ये b खत्म हो जाएगा, ये a आएगा, ये 2 आएगा, यानी कि 2 a की पावर कितना आएगा 1/3, और यहाँ से b खत्म हो जाएगा और a से ये जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसका होल क्यूब कर दो कितना आएगा, इसका होल क्यूब करो कितना आएगा x क्यूब, अच्छा ठीक है ठीक है, कैसे बता रहे हैं भैया थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर दे, थोड़ा वर्डन करके लिख दे, बता दे पहले क्या बताएं, b की वैल्यू रख दो ऊपर वाले, अच्छा ठीक है ठीक है। देखो इसमें एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि b की वैल्यू जैसे हम रखेंगे इसमें, तो b की वैल्यू हम क्या रखें उससे इजी हो जाए, तो हमें समझ में आया जैसे हम b की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो जैसे हम b की वैल्यू जीरो रखेंगे तो यहाँ पे b खत्म हो जाएगा, यहाँ पे रूट के बाहर ए स्क्वायर आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर आएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो b की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे b बराबर जीरो रखते हैं, देखो तो कितना आएगा x बराबर कितना आएगा देखना है ध्यान से, क्यूब रूट ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जीरो बनेगा और प्लस अंडर रूट क्यूब रूट ए माइनस, ये कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस का जीरो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये रूट के बाहर ए स्क्वायर आएगा तो ए बनेगा तो टू ए आ जाएगा, यानी क्यूब रूट टू ए लिखा हुआ है और प्लस ये ए के बाद इसके बाहर आएगा ए, ए से कट जाएगा कितना बचेगा जीरो, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं टू ए की पावर 1/3 लिखा हुआ है। अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें ये वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस थ्री बी, सब बी इक्वल टू जीरो है तो पूरा खत्म हो गया, तो हमें निकालना कितना है, देखो एक्स क्यूब प्लस थ्री बी एक्स में जैसे हम बी की वैल्यू जीरो रखेंगे प्लस थ्री बी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये कितना हमें निकालना है, केवल एक्स क्यूब का निकालना है, और एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी इसका होल क्यूब कर दो, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू के लिए इसका होल क्यूब कर दो कितना आएगा टू ए की पावर 1/3 का होल क्यूब करेंगे, तो ये गुणा में खाते करते हैं मतलब मल्टीप्लाई होगा कट जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे टू ए, क्योंकि x की वैल्यू 11 लिखा है, x की वैल्यू किसी 11 के बराबर, यानी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 11 की घात 5 लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे 11 x x के बाद पावर करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, देखो एक बार हम बताते हैं फिर ऐसे बता देंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे x की पावर 5 माइनस 11 इंटू x की पावर 4 कर देंगे, यहाँ पे एक x की पावर 4 बचेगा माइनस के x की पावर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 11 की पावर 4 लिखा है और यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं प्लस 11 x क्यूब कर सकते हैं,
तो देखो ये 11x क्यूब आ जाएगा, अब कितना बचेगा, प्लस का एक्स क्यूब बचा जाके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 11 क्यूब लिखा हुआ तो इसको लिख सकते हैं 11 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको हम 11x लिख सकते हैं, 12 को ब्रेक कर लो, और जैसे हम इसमें लिखेंगे 11x लिखेंगे तो इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसके बाद में इधर आ जाओ, 11x लिख लेंगे तो कितना बचेगा एक्स माइनस वन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो ये सारे पद देखो, आप ये वाले ये सब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, ये x की पावर 11 है, x की वैल्यू 11 है, तो ये 11 की पावर 5 बना जाके, और इसकी वैल्यू ये भी 11 के बराबर है, 11 की वैल्यू 5, 11 की पावर 5 आ जाएगा, देखो ये आपस में कैसे हो जाएगा, ये भी 11 की पावर 4 लिखा हुआ है, ये भी ध्यान से देखोगे तो ये 11 इंटू 11 की पावर 3 यानी 11 की पावर 4 आ जाएगा, ये भी 11 की पावर 3 लिखा हुआ है, ये क्या आ जाएगा 11 की पावर 3 आ जाएगा, ये 11 का स्क्वायर लिखा है, 11 का स्क्वायर, ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी इन सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, हमारे पास बचा कितना है x माइनस 1, और x की पावर है कितनी, x की वैल्यू 11 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 10। जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें केवल आपको ये याद रखना है कि लास्ट वाला जो टर्म रहेगा एक्स स्क्वायर वाला वो खत्म होगा, वो खत्म कैसे होगा, अगर x की वैल्यू 11 थी, x की वैल्यू 11 दे रखी है तो x स्क्वायर 11 इंटू 11 है, तो यानी कि लास्ट में इसको हम कैसे एडजस्ट करें, यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे हम 11x इसके साथ में एडजस्ट कर देंगे, फिर जो बचेगा वही हमारा आंसर आएगा, x माइनस वन बचेगा, x की वैल्यू 11 है और 1 की वैल्यू कितनी, 1 ही आएगी, तो 10 आ जाएगा इसके, आसानी से निकाल सकते हैं।